एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, लाइफ में ना इंजॉय करना। जनरली आप लोग इस एज में आ चुके हो कि आफ्टर सम टाइम सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा बात है, नहीं भी हो तब भी आपकी शादी तो होगी होगी, यस आर नॉट? एंड देन फर्स्ट 2-3 ईयर्स इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट बिकॉज द गर्ल्स विल हैव देयर ओन एक्सपेक्टेशन एंड द बॉय हैज़ देयर ओन एक्सपेक्टेशन। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, डोंट यू थिंक सो दैट इन फ्रंट ऑफ दिस अंकल यू शुड बिहेव लाइक दिस, फिर योर वाइफ विल से दैट डोंट यू थिंक दैट यू शुड नॉट से इन फ्रंट ऑफ योर मदर टू मी लाइक दिस, यस? हाँ, ये फिर उसके बाद क्या होगा, ब्लेमिंग एंड देयर आफ्टर ब्लेमिंग देन स्टार्ट क्राइंग स्टार्ट येलिंग ऑन ईच अदर, यस? एंड देन मैन विल स्टार्ट शोइंग देयर मसल बिकॉज दे सेड दैट आई एम फिजिकली स्ट्रांग, एंड उसके बाद द पीपल विल गो टू द डिफरेंट काइंड ऑफ, आपको पढ़ना है वुमन एम्पावरमेंट में, दे विल गो टू द वुमन सेल, देर इज नो मेन सेल, देर इज नो मेन सेल मीन्स देर इज अ कोर्ट फॉर वुमन एंड देयर ग्रीवेंसेस, सो देन देर विल बी अ लीगल नोटिस फॉर यू टू कम ओवर देयर ऑन योर नंबर, देर विल कम व्हाई यू आर फाइटिंग विद योर वाइफ, हाँ, या काउंसलिंग, तो यू नो दैट एवरीथिंग इज फॉर द एंड देन मोस्ट ऑफ द वुमन आर ऑल्सो मिसयूटिलाइजिंग दिस, क्लियर? तो मैं आपको पढ़ना है वुमन एम्पावरमेंट और ये सब छोटी छोटी नॉलेज रखनी है, इट्स नॉट अबाउट दैट आई एम सेइंग दैट इट इज़ इन अ जनरली आप एक्सपेक्टेशंस की वजह से मरते हैं, लेकिन लड़ाई होती है, फाइट होती है, लेकिन मैं अपनी वाइफ के साथ छोटा मोटा नोक झोंक चलता रहता है, बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि नेवर इट शुड क्रॉस इन अ पर्टिकुलर क्रिटिकल लिमिट, यस? तो अब बोलती तुम कौन हो, पहले वाले कहाँ चले गए? ये इसके कई मीनिंग है बेटा, इसके कई मीनिंग है। स्टार्टिंग में तो यू स्टार्ट गिविंग लॉट्स ऑफ द थिंग्स एवरी डे, यू ब्रिंग फ्लावर दिस 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 एंड यू मेक देयर, आई सेड दैट थॉट लॉक, मतलब आप ये मानो जो गर्ल्स होती हैं यदि किसी को पसंद करती हैं तो वो भगवान भी उतना किसी को पसंद नहीं कर सकता, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ट्रूथ आई एम टेलिंग यू, एंड जस्ट ट्राई टू रिस्पेक्ट थोड़ा सा, कुछ दिन तो आपने बोला वाह यू हैव मेड बेटर फूड, है ना, बहुत बढ़िया है, मतलब आज बहुत यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, कुछ दिन के बाद डोंट यू थिंक से दैट यू आर लुकिंग लिटिल फैटी, है ना? And never dare to say something like this. If they will ask you, how am I looking? So always you should say something. कहानी खत्म हो चुकी है, कहानी मतलब आप हमेशा ये ध्यान रखें, कभी भी हिम्मत ना करें कि यस और नॉट, सी इज नोइंग व्हाट सी इज, वो जानती है कि वो क्या है, देयर इज अ मिरर, यस सी कैन सी,